वेलकम बैक टू माय चैनल टुडे इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ लेक्स तो सबसे पहले आज हम ये देखेंगे कि लेक्स होता क्या है और उसको हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते कैसे अलग अलग टाइप्स में डिवेट करते हैं सो बेसिकली वाट इज़ लेक लेक इज़ अ डिप्रेशन ऑफ द सरफेस ऑन द अर्थ वेयर वाटर गेट्स कलेक्टेड तो एक uh, सरफेस लेयर होते हैं ज़मीन के अर्थ के और वहाँ पे एक डिप्रेशन होता है और उस डिप्रेशन में बहुत सारे वाटर क्या होते हैं कोलैक्ट्स होते हैं और वो एक लेक के फॉर्म में बन जाते हैं और हम उसे लेक कहते हैं तो वाटर कहाँ से आते हैं लेक्स में जनरली वाटर स्नो मेल्ट होके आते हैं या कोई पास वाले रिवर से आ जाते हैं या कोई ग्लेशियर मेल्ट होकर वाटर वहाँ पे डिप्रेशन में कलेक्ट हो जाता है और उस हम उसको क्या कहते हैं लेक कहते हैं फॉर एग्जाम्पल डल लेक फॉर एग्ज़ाम्पल लोकटक लेक और फॉर एग्जाम्पल सार लेक जैसे पेंगोंग लेक है दिस ऑल आर लेक्स दिस आर आर डिप्रेशन ऑन अर्थ सरफेस इन वाटर गेट्स कलेक्टेड वर देअर इस्काट लेक्स तो हम लेक्स को टाइप्स में कैसे डिवाइड करते हैं सो ऑन द बेसिस ऑफ दियर ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ट्रॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द लेक्स वी कैन डिवाइड दैम इन टू डिफरेंट टाइप्स फॉर एक्जाम्पल अगर लो क्वालिटी न्यूट्रंट होगा या हाई क्वालिटी न्यूट्रंट होगा ऑन द बेस ऑफ ट्रॉपिक लेवल, ट्रॉपिक स्टेटस तो अगर ट्रॉपिक मीन्स न्यूट्रंट हाई क्वान्टिटी ऑफ न्यूट्रंट होगा या लो क्वान्टिटी ऑफ न्यूट्रंट होगा तो हम लेग्स को इस बेसिस पे डिड करते अगर बहुत कम क्वान्टिटी ऑफ न्यूट्रंट होगा तो हम उसको ओलिगोट्रॉपिक ओलिगो ट्रॉपिकेग कहते हैं अगर इंटरमीडिएट हो तो हम जनरली मीजोट्रोपिक लेक्स कहते हैं और हम जिसमें न्यूट्रन का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होगा हाई क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रन तो हम उसको यूट्रॉपिक लेक्स कहते हैं सो so, अगर कोई न्यूली फॉमेड लेक्स होगा तो वो यहाँ पे फॉल करेगा क्योंकि उसमें न्यूट्रन का जो क्वांटिटी होता है वो बहुत कम होते हैं और जो ओल्डर लेक्स होगा उनमें डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा होंगी क्योंकि उनमें न्यूट्रन्स भी बहुत ज़्यादा फॉर्म होते हैं हो, वो यूट्रॉपिक वो यहाँ पर फॉल हो जाएंगे यूट्रॉपिक लेक्स

ना कम ना ज़्यादा होते उसको हम मीजोट्रॉपिक लेक्स कहते हैं एंड इफ़ देर इज़ अ वेरी लिटिल और वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ न्यूट्रन प्रेजेंट इन दैट लेक हम उसको क्या कहते हैं ओलीगोट्रोपिक लेक्स कहते हैं सो so, ओलिगोट्रॉपिक लेक जनरली क्या होते हैं इसमें ओलीगोट्रोपिक लेक्स में होते हैं जो न्यूट्रन को क्वांटिटी होता है वो बहुत कम होते है फॉस्पोरस और नाइट्रोजन उसमें बहुत कम होते हैं तो फॉस्पोरस और नाइट्रोजन कम होगा तो उसमें जो बाकी के डाइवर्सिटी भी बहुत कम होंगे साथ साथ में और ये जो लेक्स होते हैं दाटर वेरी क्लियर इन लेक्स का जो पानी होता है वो बहुत क्लियर होता है बहुत साफ होते हैं और दीज लेक् लेक्स आर जनरली डीप और इसमें जो सीडमेंट होता है वो बहुत कम होता है और ये जो लेक्स होते हैं वो बहुत स्टीप मीन्स बहुत डीप गहरा होता है एंड जो इन में पानी जो आते हैं जनरली जो आ, ओलीगोट्रॉपिक लेक्स होते हैं उसमें जो वाटर कहाँ से आते हैं यूजुअली रिप्लेस होते हैं ये ग्लेशियर मेल्ट हो या स्नो मेल्ट होके तो ये जो न्यूली फॉर्मेड लेक्स बन जाते हैं और मीज़ो ट्रोपिक लेक्स में क्या होता है <ś Chall northern Keith> इसमें फिश बहुत ज़्यादा होते हैं जनरली दिज आर ग्रेट फिशिंग लेक्स और इसमें जो न्यूट्रन का कोांटिटी होता है वो ना बहुत कम होता है ना बहुत ज़्यादा होता है उसमें जनरली इंटरमीडिएट्स होता है और इसमें जो इन समर आर सम algae present in this lake but in winter there will be no algal present and this lake produce stratifications the process of stratification means intermixing of water jo niche wale water hote hai thermocline ke time pe ya upar wale water winter mein ya summer mein ek bar ye jo upar dono ka पानी intermix हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं Stratification. तो generally हम stratification किस में देखते हैं मीजोट्रॉपिक लेक्स में देखते हैं मीजोट्रॉपिक लेक्स में दिखते हैं और इसमें जो सीडेमेंट होता है इन लेक्स में इन में सीडेमेंट्स होते हैं थोड़ा बिल्टअअप हुआ होता है एज कम्पेयर टू दी ओलीगो लेक्स और ये लेक्स थोड़ा शेलो होता है एज कम्पेयर टू तो दिलीगो ट्रॉपिक लेक और जो शेलो एरिया है उनमें प्लांट ग्रो हुआ होता है सो विध टाइम टू टाइम दिस मीजो ट्रॉपिकनवर्ट इन टू यू लेक्स तो यू लेक्स क्या होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा न्यूट्रन होता है न्यूट्रन का अमाउंट बहुत ज़्यादा होता है फास्फोरस और सल्फ़र और इसमें डायवर्सिटी भी बहुत ज़्यादा होती है क्यों डायवर्सिटी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा है तो बहुत सारे और ऑर्गेनिजम्स भी इस लेक्स में होंगे प्लांट्स भी उगा होंगे और सीडमेंट्स इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्म हुआ होता है और ये लेक्स जनरली डीप बिल्कुल भी नहीं होता है ड्यू टू दे आर जनरली शेलोस एंड जो इसमें पानी आता है वो कहीं आपस वाले स्ट्रीम्स में नदी से या रिवर से जो रिप्लेस होता है इसका पानी भर जाता है और जनरली दिस लाइक लुक्स लाइक द वॉटर ऑफ दिस लाइक लुक्स वेरी ग्रीनी बिकॉज ऑफ द अलगल ब्लूम उसी को हम क्या कहते हैं यूट्रोपिक ट्रॉपिक लेक्स कहते हैं सो जनरली सो द प्रोसेस ऑफ लेक्स जो लेक्स होते हैं ये इवोल्यूशंस होते हैं लेक्स में भी तो सबसे पहले जो ओलिगोट्रॉपिक होते हैं वो फॉर्म हो जाते हैं उसमें वाटर क्या कहाँ से आते हैं सुनोनो मेल्ट होकर आते हैं और उसमें न्यूट्रन का क्वांटिटी बहुत कम होता है फिर आहस्ते आहिस्ता इसमें सेडिमेंट्स में भर जाते हैं सीडामेंट भी बिल्कुल नहीं होते वाटर क्वालिटी बिल्कुल क्लियर होता है सो स्लोली स्लोली विद टाइम दिस ओलिगोट्रॉपिक लेक जनरली कन्वर्टेड इन टू Mesotropic lakes, and slowly, with time to time, with billions of years, this lake converted into eutropic lakes. So, this is the process of formation of lakes from oligotropic lakes to uh, eutropic lakes. सो कल्चरल यूट्रोफिकेशन सो यूट्रोफिकेशन होता क्या है जनरली यूट्रोफिकेशन एक कोई वाटर बॉडी है किसी भी वाटर बॉडी में जब बाहर से न्यूट्रंट आना शुरू हो जाता है फॉर एग्ज़ाम्पल फॉस्फोरस या नाइट्रोजन आना शुरू हो जाते जैसे हमारी फील्ड से आ जाते हैं वाटर रन ऑफ के थ्रू या कोई इंडस्ट्रीज से पोलिटन्स आ जाते तो वो थर्मल पोलिटन आ जाते हैं वो सारे पोलिटन्स क्या होते हैं कि लेक में कलेक्ट हो जाते हैं जमा हो जाते हैं और इस कलेक्शन से क्या होता है बहुत सारे अलगी क्या हो जाते है प्रोड्यूस हो जाते हैं उसको हम क्या कहते हैं अलगल बुलूम तो अलगल बुलूम से क्या हो जाता है वहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हो जाता है बहुत कमी हो जाते है पॉक्सिक कंडीशन हो जाते हैं और बहुत सारे फिश या उसमें कोई दो डाइवर्स वाला ऑर्गेनिज्म हो मरने का चांस भी हो सकता है उसको हम क्या कहते हैं यूट्रोफिकेशन्स सो so, ये ट्रॉपिक लेवल पे था आफ्टर ट्रॉपिक लेवल दे आर सर्टेन अदर टाइप्स ऑफ लेक विच वी आर डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट इन द कमिंग स्लाइड सो टेक्टोनिक लेक होता है वॉल्कनिक लेक्स ग्लेशियर लेक्स सॉल्टी लेक्स आर्टिफिशियल लेक्स ओक्सबो लेक्स मीरोमिटिक लेक्स और रिफ लेक्स तो सबसे पहले हम टेक्टोनिक लेक्स के बारे में बात करते हैं जब टेक्टोनिक प्लेट टेक्टोनिक्स के टक्कर हो जाते हैं शिफ्ट हो जाते हैं तो उसमें कोई डिप्रेशन फॉर्म हो जाते हैं जो हमारा अर्थ है उसके नीचे क्या है प्लेट्स है तो वो प्लेट्स जब कभी टक्कर हो जाते हैं तो वहाँ पर रिफ़्ट या कोई डिप्रेशन प्रेजेंट ये हो जाते हैं फॉर्मेशन हो जाते हैं उस उस डिप्रेशन में बारिश की वजह से या स्नो मेल्क की या ग्लेशियर मेल्क की वजह से उसमें क्या आ जाते है पानी जमा हो जाते है फिर वो एक लेक बन जाती है उसको हम क्या कहते हैं टेक्टोनिक लेक्स और जो वॉल्कनिक लेक्स होते हैं व्हाट इज़ वॉल्कनिक तो ये एक्टिविटीज़ से क्या है एसोसिएट है कहते हैं इस स्लाइड्स में हम तो वालकनिज़म जब कहीं पे वालकनिक एरोप्शन हो जाते हैं कहीं पर भी फिर जब ये ठंडे हो जाते हैं तो ऐसे उसमें एक डिप्रेशन फॉर्म हो जाते हैं वालकिनिक एरोप्शन होने के बाद फिर आहिस्ता आहस्ता उसमें या स्नो या वाटर मेल्स कहीं से भी बारिश से कहीं ना कहीं से यहाँ पानी आके जमा हो जाते हैं और उस, उसको हम क्या कहते हैं वॉल्कनिक लेक्स कहा जाता है जनरली सो ग्लेशियर लेक्स क्या होते हैं जब कहीं पे डिप्रेशन प्रेजेंट हो और उसमें ग्लेशियर्स मेल्ट होके पानी आके जमा हो जाते तो उसको हम ग्लेशियर लेक्स कहते हैं सो सॉल्टी लेक्स जनरली हमें पता है कि लेक्स का जो पानी होता है वो कहाँ से आता है दे आर कमिंग फ्रॉम दी मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स एंड स्नोस तो स्नो ग्लेशियर बहुत दूर दूर ग्लेशियर्स में होते पहाड़ों में होते और वो नीचे आके किए डिप्रेशन में वो सारे जमा हो जाते तो जो मिनरल्स होते वो उनके साथ लेके आते तो वाटर आते आहिते ये ऑपरेट हो जाते और साल्ट वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते तो वाटर का जो टेस्ट हो जाता है वो थोड़ा सॉल्टी हो जाता है उसको हम क्या कहते हैं सॉल्ट लेक्स आर्टिफिशियल लेक्स आर जनरली मेन मेड लेक्स जो हम रिजर्वर बनाते हैं जो हमें इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए या कोई पूल के लिए हम क्या करते है? पानी को आर्टिफिशियली हम लेक बना के डैम बना के उसमें स्टोर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल लेक्स सो ऑक्सबो लेक है वे टू आठ हियर तो ऑक्सबो लेक क्या होते हैं जब कोई भी रिवर हो या कोई स्ट्रीम हो रिवर हो तो वो पहले ऐसे चलते ऐसे एग्जैक्ट फॉर्म में तो आहिस्ता आहिस्ता वाटर का जो फोर्स होता है वहाँ यहाँ पर लग जाते हैं तो ये आहिस्ता आते इसको क्या करते है? अपने साथ बहा के ले जाते हैं सो आते आहिते ये बहुत कम पड़ते जाते फिर ऐसा हो जाते फिर फाइनली ऐसा हो जाते तो फिर आएस, एक फाइनली ये कट जाते हैं और जो ओक्सबॉल एक ओक्स के बो के शेप यहाँ पे रह जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं ओक्सबॉल एक कहते हैं एंड मीरोमेटिक लेक्स जैसे हमने बताया स्टार्टिफिकेशनस होते हैं अलग अलग लेयर्स होते हैं वाटर के और वो इंटरमिक्स हो जाते हैं जनरली लेक्स में लेकिन मीरोमेटिक लेक्स में जो लेयर ऑफ वाटर होता है वो बिल्कुल ही मिक्स नहीं होता है दे डू नॉट मिक्स सो रिफ्ट वैली वेक्स वैली में कोई रिफ्ट हो उसमें वाटर कलेक्ट हो जाते हैं तो उसको हम रिफ्ट वैली लेक कहते हैं सो हियर वी फिनिश द टाइप्स ऑफ लेक थैंक यू फॉर वॉचिंग इट लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना